खटीमा के एक स्कूल में छात्राओं की ड्रेस की नाप लेने के बहाने टेलरों ने उनके साथ छेड़छाड़ की, जिसका छात्राओं ने विरोध किया। इस दौरान विद्यालय प्रशासन का स्टाफ भी वहां मौजूद था, लेकिन उन्होंने छात्राओं की बात को अनसुना कर दिया। छात्राओं ने इस मामले की जानकारी अपने माता पिता को दी, जिसके बाद अभिभावकों ने आकर स्कूल में हंगामा किया। यह पूरा मामला एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का है, जहां छात्राओं की ड्रेस बनाई जानी थी, जिसके लिए खटीमा नगर के सिद्धार्थ गारमेंट से एक सहायक प्रतीक तिवारी के साथ दो दर्जी मोहम्मद कुमार एवं मोहम्मद शकील विद्यालय में बुलाए गए, जिनके द्वारा ड्रेस की नाप लेने के नाम पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई। इस दौरान विद्यालय के तीन स्टाफ कर्मचारी अशोक आर्य, ममता खोलिया और चंद्रशेखर भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने छात्राओं के विरोध के बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। घटना की जानकारी होने पर आक्रोशित अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर विद्यालय प्रशासन का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। अभिभावक संघ के अध्यक्ष राजवीर सिंह राणा ने कहा कि जिन टेलरों ने छात्राओं के साथ अभद्रता की है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। छात्राओं के अभिभावकों के द्वारा विद्यालय में हंगामा करे जाने की सूचना पर उप जिलाधिकारी रविन्द्र विष्ट तुरंत मौके पर पहुंचे और अभिभावकों को समझा बुझाकर शांत किया। उप अधिकारी रविन्द्र विष्ट ने कहा कि हमने सभी छात्राओं और उनके अभिभावकों के बयान दर्ज कर लिए हैं, जो भी आरोपी शिक्षक उनको सस्पेंड कर दिया गया है। विद्यालय प्रशासन ने विद्यालय स्टाफ के तीन सदस्यों को मामले में संलिप्त होने एवं काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, वहाँ पे हमारी छात्राओं के साथ में उनकी ड्रेस की मेजरमेंट के लिए जो टेलर्स गए थे, उनके सामने वहाँ का कुछ स्टाफ भी था, उन स्टाफ के होते हुए भी उन टेलरों के द्वारा उन छात्राओं के साथ में बहुत ही ज़्यादा अभद्र अश्लील हरकतें की गई। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे तहरीर देने के लिए आए की है। जो वहाँ पे उपस्थित स्टाफ था, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए एवं उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जो टेलर वहाँ पे गए हुए थे, जिन्होंने ये मेजरमेंट लिया है, उनके साथ में भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें प्रथम दृष्टया ये हमारे जो संज्ञान में आया है कि जो ये टेंडर हुए हैं, जो भी कोटेशन बेस में उन्होंने जो अलॉटमेंट किया है ड्रेस बनाने की, देखो उसका कोई भी अप्रूवल नहीं है और ना ही कोई रजिस्टर मेंटेन है। तो प्रथम दृष्टया यही एक गलत है, इसकी अभी फर्दर हम और जांच करेंगे। साथ ही साथ जो आरोपी शिक्षक हैं उनके खिलाफ जो अभी वर्तमान में जो प्रधानाचार्य जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया था, उनके द्वारा उच्च अधिकारी को उनके निलंबन हेतु संस्तुति कर दी है हमारे द्वारा। साथ ही साथ तीन दर्जियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई की उनके खिलाफ की जाए। वहीं इस मामले में खटीमा कोतवाली में तैनात SSI अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं से हुई छेड़छाड़ एवं अभद्रता के मामले में तहरीर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के लिए जो भी लोग जिम्मेदार होंगे, जांच उपरांत उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में सिद्धार्थ गारमेंट के स्वामी संजय सिद्धार्थ ने कहा कि नाप जोक की पूरी कार्रवाई CCTV कैमरे के सामने हुई है, जो भी सत्य होगा वो जांच में आएगा। हमारे कर्मचारी अगर दोषी पाए जाते हैं तो कानून अपना काम करेगा। जो है बच्चों विभाग टेलर टेलरों द्वारा जो भी खर्चे होंगे अभी हम बुलाई जाएंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे पूछताछ के लिए, बुलाएंगे दीपा आरोप लगाए उनको बुलाएंगे, बच्चों से पूछताछ करेंगे, जो भी खर्चे सामने आएंगे उसमें काम 40 साल और 40 सालों से हम काम कर रहे हैं। कई विद्यालयों में हम जाते हैं, सप्लाई देते हैं, काम करते हैं, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है। और जो एकलव्य विद्यालय की शिकायत है, वहाँ ऑन कैमरे के सामने नाप हुआ है और उसके उस फुटेज चेक कर लिया जाए। अगर दोषी है तो उसको, हम भी नहीं चाहते किसी के बच्चे को ऐसे अरेस्ट किया। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।